नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस प्रस्तुति में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि मृत शरीर अथवा शव को श्मशान तक कैसे पहुंचना चाहिए और संतान का क्या क्या कर्तव्य एवं दायित्व होना चाहिए। जब गरुड़ देव ने श्री हरि विष्णु जी से पूछा कि हे भगवान, सांसारिक प्राणी की मृत्यु होने के उपरांत क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं और इसमें मृत व्यक्ति के परिजनों एवं बंधु बांधव के क्या क्या कर्तव्य होते हैं, तब भगवान श्री हरि विष्णु ने गरुड़ देव को मरणोपरांत ज्ञान देते हुए बताया कि हे गरुड़ देव, जब प्राणी की मृत्यु हो जाती है तो एक तरफ शरीर होता है और दूसरी तरफ आत्मा होती है। आत्मा जो इधर उधर मंडराती रहती है, भगवान द्वारा आत्मा को अति सूक्ष्म शरीर प्रदान किया जाता है जिसे अति वाहक शरीर कहते हैं। परंतु अति वाहक शरीर ही होता है, उसमें कोई सामर्थ्य नहीं होता है। आत्मा अपने मृत शरीर के अंदर दोबारा से प्रवेश करने की कोशिश करती रहती है, लेकिन यमदूतों के पास में बंधे होने के कारण वह मृत शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है और मृत लिपट जाती है। फिर हाँ हाय करते हुए रोती बिलखती रहती है। वह अपने परिवार के लोगों को देखती है जो उसके मृत शरीर के प्रति अत्यंत दुख और संताप करते रहते हैं और अत्यधिक क्रंदन करते हुए रोते बिलखते रहते हैं। आत्मा को समझाने का प्रयास करती है और उन्हें शांत करने की कोशिश करती रहती है, लेकिन अदृश्य होने के कारण कोई भी उसे देख नहीं पाता और अस्पृश्य होने के कारण कोई उसे महसूस भी नहीं कर पाता है। उसकी अनुभूति किसी को भी नहीं हो पाती है। फिर वह अपने बनाए हुए घर को देखती है, अपने द्वारा संग्रहित की गई वस्तुओं को देखती है और उन पर लिपटी रहती है। फिर अपने बंधु बंधुओं को देखती है, अपनी संतानों को देखती है जिनका क्रंदन उसको अत्यधिक दुखी करता रहता है। उसका एक एक क्षण अत्यधिक दुखदायी होता है जब वह किसी को शांत नहीं कर पाती है और सामर्थ्य वही हो जाती है, तब वह यमदूतों के चरणों में गिर जाती है और रोते बिलखते हुए गिर गिर आती रहती है। यमदूत उसको डांटते हैं और उसका मार्गदर्शन करते हुए उसको समझाते हैं कि उसके शरीर की अब मृत्यु हो चुकी है और अब वह सांसारिक बंधनों से मुक्त हो चुकी है और आगे यमलोक के मार्ग पर चलेगी। तब आत्मा यमदूतों की बातों को समझ जाती है और अपने मकान, धन संपत्ति, बंधु बांधव और अपनी संतानों के प्रति मोह भंग कर लेती है और यमदूतों के निर्देशानुसार आचरण करने के लिए तैयार हो जाती है। वह अपने आप को अत्यधिक हल्का महसूस करती है, एक आजाद पंछी की तरह जिधर चाहे उधर उड़ सकती है और सभी शक्तियों के प्रति मोहभंग होने के कारण अपने आप को आसक्ति शून्य कर दी है। तो यह भी सांसारिक प्राणी की मृत्यु होने पर आत्मा की स्थिति। तब भगवान श्री हरि विष्णु गुरुर् देवो मृत शरीर के प्रति संतानों के कर्तव्य को समझाते हुए कहते हैं कि है गरुड़ देव, जब सांसारिक प्राणी की मृत्यु हो जाती है और उसका शरीर निर्जीव हो जाता है, तो उसके पुत्र अथवा पत्र आदि परिजनों को चाहिए कि वे सभी शब्द को शुद्ध जल से स्नान कराकर नवीन वस्त्र से आच्छादित करें, उसके शरीर पर चंदन आदि सुगंधित पदार्थों का अनुलिपि करें, तुलसी के पत्ते डालें और हो सके तो शरीर के 9 द्वारों में स्वर्ण डालें। उसके बाद जहाँ शव को रखा जाना है वहाँ गाय के गोबर से लेपन करें, फिर कुशा का बिछोना लगाकर उसमें तेल डालें। फिर उसमें आदि शव रखते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि उसका सिर्फ उत्तर दिशा की तरफ हो और उसके पैर दक्षिण दिशा की ओर हो। इस स्थान पर एक दीपक भी प्रकाशित करना चाहिए। फिर मरण स्थान पर संतान द्वारा सब नामक पहले पिंड का दान करना चाहिए जिससे कि भूमि देवता की पुष्टि होती है। उसके बाद जब मृत शरीर को शव जया पर रखकर फूल मालाओं से सजाकर बाहर निकालते हैं तो 5 नामक दूसरे पेट का दान घर के मुख्य द्वार पर करना चाहिए। इस पिंड दान से वास्तु देवता की पुष्टि होती है। शव नाती पोतों, पुत्रों, भाइयों और अन्य बंधुओं बंधुओं द्वारा कंधा दिया जाना चाहिए। इससे मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति मिलती है और अपनों के साथ उसकी यह अंतिम यात्रा होती है। शव यात्रा में आगे घर में प्रवेश करने से पहले घर के द्वार पर रखी हुई नीम की पत्तियों को चबाकर आचमन करते हैं, या तो गोमूत्र तथा गंगाजल को अपने ऊपर छिड़ककर आचमन किया जाता है।
तब अंतर अग्नि जल गोबर श्वेत सरसों दूर्वा प्रवाल वृषभ तथा अन्य मांगलिक वस्तुओं का हाथ से स्पर्श करके पैर से पत्थर का भी स्पष्ट करते हैं और धीरे धीरे घर में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु तत्व इन पांच तत्वों से बना हुआ यह शरीर पुनः अपने किए हुए कर्मों के अनुसार इन्हीं पंच तत्व में जाकर विलीन हो जाता है। तो यह थी सांसारिक राणी की मृत्यु होने के उपसत होने वाली विभिन्न क्रियाओं और मृत व्यक्ति के परिजनों के कर्तव्यों के बारे में एक छोटी सी जानकारी। हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें।